आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारसुड़ा कलेक्टर अवनी सुरेन नरवा ने कोलावेरा ब्लॉक अंतर्गत पोखरा सेल में स्थित पीएससी का दौरा कर विभिन्न व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। रंपेला ब्रिज पर गोली मारने के कारण मनोज बारिक घायल हुए। घटना में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ एक देसी बंदूक, एक 9mm का पिस्टल और 15 गोली जब्त किए। सदर थाना अंतर्गत बीटीएम चौक के पास स्थित विश्वनाथ सेठी नामक एक व्यक्ति के घर के सामने एक से बाइक चोरी हो जाने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। मोहर्रम पर्व जिले में शांति से मनाया जाए, इसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्था किया गया है। झारसुड़ा एसपी प्रेस मीट के माध्यम से सूचना दी है। झारसुड़ा एसपी ऑफिस के सामने सिलेंडर से लदा हुआ एक ट्रक को एक कंपनी बस टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में बस का सामने का हिस्सा टूट गया, लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जबरन कब्जा किए गए जमीन से दुकान और घर सबको हटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिया गया। इसे लेकर टाउन में स्थित एक होटल में बीजेडी की ओर से प्रेस मीट का आयोजन किया गया। पहले सबके लिए सुविधा करने के बाद उन्हें अपनी जगह से हटाए जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन किए जाने को लेकर पूर्व विधायक दीपाली दास प्रेस मीट में सूचना दिए। रेंगाली थाना अंतर्गत बोनसेनपली गांव में विशाखा समर्थ नामक एक महिला तालाब में नहाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को उद्धार करने के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजने की सूचना मिली। बिलपार फाटक के पास जगह साहू नामक एक युवक को चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर झारसुड़ा एसपी प्रेस मीट में सूचना दी। वी फ्रेशली बेक विथ लव ऑल डे एवरी डे। रॉयल बेकरी, काली मंदिर रोड, झारसुगड़ा। यहाँ आपको मिलेगा फ्रेश एंड टेस्टी केक्स, कपकेक्स, कुकीज एंड पेस्ट्रीज, और इसके साथ ही साथ डिलीशियस पिज्जा, बर्गर और सैंडविच का लुत्फ उठाएं। होम डिलीवरी फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑर्डर और विजिट टुडे। रॉयल बेकरी, काली मंदिर रोड, झारसुगड़ा।